टीकरण का विरोध करते हुए हमें हड़ताल को कर रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल में लगभग 10 लाख कर्मचारी शामिल है सरकारी। बहुत सी कमियां हैं जो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी करें। सिर्फ निजीकरण के दायरे में ना सिमटे बल्कि ये कॉरपोरेट डकैती है, ये जनता की जो जमा पूंजी है उसकी लूट आप समझिए, इसे हम इसी के खिलाफ है। बैंक की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। आपको बताते चले, बैंकों के निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। आज मंगलवार को भी शहर के स्टेशन रोड स्थित इलाहाबाद बैंक के बाहर यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सभी बैंकों के बैंक कर्मी बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं। हड़ताल कर धरने पर बैठे बैंक कर्मियों ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री विरोधी नारे लगाए। मेरा नाम शशांक पांडे है, मैं बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ और आज हमारी यूनियन का यूएफयू के आह्वान पर दूसरे दिन हड़ताल में शामिल हुए हैं। आज निजीकरण का विरोध करते हुए हमें इस हड़ताल को कर रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल में लगभग 10 लाख कर्मचारी शामिल है सरकारी। सरकार का जो ये मनमाना फैसला है सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने का, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कल भी हमने इसके खिलाफ हड़ताल करी थी, हमारी हड़ताल में, और अगर आगे फैसले को वापस नहीं लिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे या भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। फिलहाल कब तक जारी रहेगी आपकी हड़ताल? अभी तो ये 2 दिवसीय हड़ताल थी जिसका आज आखिरी दिन है, मगर इसके बाद अगले प्रोग्राम जल्दी ही तरफ से दिया जाएगा। इस हड़ताल के माध्यम से क्या मांगे हैं, क्या किन मांगों को लेगा आप हड़ताल पे? हम सरकारी संस्थानों का जो निजीकरण किया जा रहा है उस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो निजीकरण कर देगी पूंजीपतियों के हाथ में दे देगी सरकारी संस्थानों को, तो आम जनता की पहुंच से ये सब बैंकिंग संस्थान और सरकारी सुविधाएं जितनी भी हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं संजीव पटेल हूं, मैं AIRRBOF यूपी यूनिट का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूं और वर्तमान में मैं मैनपुरी जिले में पोस्टेड हूं एज ए ब्रांच मैनेजर ऑफ आर्यावर्त बैंक। सर किन मांगों को लेके आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं हड़ताल? देखिए सर, अगर डेफिशिएंसीज की बात करें बैंकिंग सेगमेंट में तो बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं, बहुत सी कमियां हैं जो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी करें। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो यक्ष प्रश्न है, वो है प्राइवेटाइजेशन का। और प्राइवेटाइजेशन को आप, हम तो कहेंगे सिर्फ निजीकरण के दायरे में ना सिमटे बल्कि ये कॉरपोरेट डकैती है, ये जनता की जो जमा पूंजी है उसकी लूट आप समझें, इसे हम इसी के खिलाफ हैं। कब तक जारी रहेगी आपकी हड़ताल? देखिए वैसे तो ये फिलहाल अगर हम इसे अटेंडेंस के हिसाब से देखें तो ये 2 दिन का है, बट हमारा आंतरिक संघर्ष इससे पहले शुरू हो गया था जब हम काली पट्टी बांधकर और सांकेतिक तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। आगे भी जारी रहेगा जब तक कि सरकार का जो ये न्यू लिबरल एजेंडा है वो अपने एजेंडे से हटाते हैं, हम इसके खिलाफ हैं।